Hello students of 8th class, today we will start our next topic, conservation of land. How to conserve land? हम land को कैसे conserve कर सकते हैं? Conserve का मतलब होता है बचाना. हम हमारी ज़मीन को कैसे बचा सकते हैं? Planting more trees, afforestation. हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम हमारी ज़मीन को बचा सकें. ये देखिए, ये मैंने आपके लिए एक picture draw किया है जिसमें दिख रही हैं आपको trees. इनकी रूट्स जो है वो क्या करती है, लैंड को होल्ड करके रखती है, कस के रखती है, ताकि क्या होता है कि जैसे तेज आंधी आई, पानी का बहाव है, बारिश हुई तेज, तो क्या होगा, इससे सॉइल इरोजन नहीं होगा. अदरवाइज़ क्या होगा कि जब पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन होगा, टॉप लेयर जो होगी लैंड की वो बह जाएगी. तो ट्रीज जो हैं वो लैंड को होल्ड करने में काम आती है. ये देखिए, दिख रही है आपको ट्रीज, इनकी जड़ें जो है वो गहराई तक गई हुई होती है तो वो लैंड को होल्ड करती है. ये देखिए इस पिक्चर में, देखिए कितना क्लियर है. हमारा सेकंड है, ओवर ग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड विच कैन बी डन बाय क्रिएटिंग मोर प्रेशर लैंड. हमें अधिक से अधिक प्रेशर लैंड बनानी चाहिए. जैसे अपने खेत होते हैं, इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, कैटल के लिए खेत बनाने चाहिए, उन्हीं के अंदर वो चराई करें. नहीं तो क्या होता है, कैटल जो है वो सब जगह चराई करती है, जहाँ मर्जी आई वहाँ चरती है. और वो वेल सिविलाइज्ड तो होती नहीं है कि वो कांटे छुरी से खाएगी, तो वो क्या करती है, जो घास मुँह में आई या जो पेड़ पौधे मुँह में आए उनको खींच लिया. अब वो जो खींचती है तो जो सॉइल होती है वो भी उसके साथ बाहर आती है, तो वो जो लैंड को क्या करती है, डिग्रेड कर देती है. इसलिए हमें कैटल के लिए स्पेसिफिक जगह बनानी चाहिए ताकि वो वहीं चरे. थर्ड है, थ्रॉनी बुशेस शुड बी ग्रोन सो दैट सैंड ड्यून्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड. हमें कांटेदार झाड़ियों उगानी चाहिए रेत के टीलों पर, ताकि वो रेत के टीलों को स्थिर कर सकें. क्या होता है कि कांटेदार झाड़ियाँ जब हम लगाएंगे रेत के टीलों पर, तो वो क्या करेगा, रेत के टीलों को होल्ड करके रखेगा. अदरवाइज़ क्या होगा, आंधी आएगी तो साथ में उड़ जाएगी वो मिट्टी. तो इसलिए इन टीलों को रोकने के लिए हमें कांटेदार झाड़ियाँ लगानी चाहिए. फोर्थ है, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स शुड बी मिनिमाइज्ड. हमें कम से कम केमिकल यूज़ करना चाहिए और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने चाहिए लैंड पे, ताकि क्या हो, हमारी लैंड जो है वो कंजर्व रहे. अदरवाइज़ क्या होता है, एक लिमिट तक तो हमारे, हम जैसे जब केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो एक लिमिट तक तो बहुत उपजाऊ हो जाती है हमारी लैंड, पर एक लिमिट के बाद में क्या होगा कि हमारी लैंड जो है वो ख़राब हो जाएगी. इसलिए कम से कम हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना चाहिए. फिफ्थ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मेथड शुड बी यूज्ड इन माइनिंग एक्टिविटीज़ टू मिनिमाइज लैंड डिग्रेडेशन. हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करनी चाहिए माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि वो लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सके, हमारी लैंड को ख़राब ना करे, कम ख़राब करे. हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए. तो ये हमारे 5 कंजर्वेशन ऑफ लैंड के पॉइंट्स हैं. अब आप खुद से इनको एक बार पढ़िएगा.